माइनक्राफ्ट हार्डकोर, और ऊपर से आप एक बहुत ही छोटे से आइलैंड पर फंस जाते हैं जिसके आसपास कुछ भी नहीं है। क्या आप ऐसे आइलैंड पर 100 डेज सर्वाइव कर सकते हैं? बट वेट अ मिनट, ये सर्वाइवल आइलैंड वाली 100 डेज वाली वीडियोस तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, तो फिर आप मेरी वीडियो क्यों देखेंगे? वेल, अगर आपने नोटिस किया है तो ज़्यादातर सर्वाइवल आइलैंड पर कम से कम एक ट्री जरूर होती है और शुगर केन जरूर होता है, जिसकी मदद से गेम में आगे प्रोग्रेस करना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा आसान। बट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं ऐसे आइलैंड पर 100 डेज सर्वाइव करने वाला हूँ जिस पर ना ही कोई ट्री है, ना ही खाने के लिए फूड और ना ही सोने के लिए बेड, और रात होते ही आप पर अटैक कर देती हैं बहुत सारी डेंजरस मॉब्स। तो क्या मैं 100 डेज आइलैंड पर सर्वाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए देखते रहिए पूरा एपिसोड। आने वाले 100 डेज के हमारे 3 मेजर गोल्स होने वाले हैं। सबसे पहला अपने लिए एक बहुत ही ऑसम सा स्टार्टर हाउस बनाना, दूसरा एक फुल नेदराइट का आर्मर बनाना, और तीसरा एंडर ड्रैगन को बीट करना। सो लेट्स गो, डे 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। डे 1 की शुरुआत हो चुकी थी और डे 1 का सबसे बड़ा चैलेंज था एक ट्री ढूंढना, क्योंकि बिना वुड के हम लोग आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैं निकल पड़ा अपनी जर्नी पर और मुझे तैर कर ही जाना था। मैंने बहुत देर तक ढूंढा और फॉर्चुनेटली कुछ देर बाद ये हुआ, मुझे एक आइलैंड दिखा जिस पर एक शिपरेक था और एक बड़ी सी ट्री दिख रही थी। मैं लिटरली इतना खुश तब भी नहीं होता जब मैं एंडर ड्रैगन को बीट कर देता। मैं फटाफट से आइलैंड पर गया, शिपरेक की लूट चेकआउट करी, उसके बाद कुछ देर तक मैंने वुड को कलेक्ट किया, और वुड जैसी मेरे पास कलेक्ट हो चुकी थी मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई और कुछ टूल्स बना ली। उसके बाद बगल के पॉन्ड में थोड़ा सा आयरन और था, मैंने उसे माइन किया और फटाफट से जितनी सैपलिंग्स ड्रॉप करी थी ट्री ने मैंने सारी की सारी वो कलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने कुछ कॉबल स्टोन कलेक्ट किया, फर्नेस बनाई और आयरन को स्मेल्ट कर लिया जो मुझे अभी अभी रिसेंटली मिला था, और मैंने एक स्वॉर्ड बना ली क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं अपने आइलैंड पर वापस पहुंचता तब तक रात हो जाने वाली थी और बिना स्वॉर्ड के वहां पर मॉब्स मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली थी। जब तक मैं अपने आइलैंड पर वापस पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी, तो मैंने आइलैंड पर पहुंचते ही सबसे पहले कुछ टॉर्चेस लगा दी सो दैट मॉब्स स्पॉन ना हो, और उसके बाद मैंने कुछ सीड्स कलेक्ट किए और अपना अंडरग्राउंड बेस बनाना शुरू कर दिया। अंडरग्राउंड बेस बनाने के बाद जब मैं ऊपर पहुंचा तो कुछ जॉम्बीज ने मेरे आइलैंड पर अटैक कर दिया था, बट मैंने अपनी शील्ड का यूज़ करके उस जॉम्बी को मार गिराया। उसके बाद जो मुझे सैपलिंग्स मिली थी मैंने उन्हें प्लांट किया और बाकी की बची हुई नाइट मैंने जॉम्बीज और क्रीपर से लड़ने में स्पेंड की। नेक्स्ट डे सुबह होते ही सबसे पहले मैंने अपने लिए एक वीट फार्म बना लिया। अब जैसा कि वीट को ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, तो उसके बाद मैं निकल पड़ा फिशिंग करने क्योंकि हमें खाने की जरूरत तो पड़ने ही वाली थी। फिशिंग करके जब मैं आइलैंड पर वापस आया तो मैंने देखा हमारे आइलैंड पर एक चिकन स्पॉन हो चुका था। फाइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि अब हमारे अलावा कोई और भी था जो हमें हमारी जर्नी में ज्वाइन करने वाला था। अगले कुछ दिन मैंने अपने स्टार्टर हाउस के लिए कुछ वुड कलेक्ट की और माइनिंग करी। मैं माइनिंग कर ही रहा था कि ये हुआ, मुझे गाइस डायमंड्स मिल चुके थे। लिटरली मैं इतना ज़्यादा खुश था क्योंकि डायमंड्स मिल जाने के बाद हमारे प्रोग्रेस की स्पीड हो जाने वाली थी बहुत ज़्यादा तेज। माइनिंग करने के बाद मैंने एक कंप्लीट आयरन आर्मर का सेट बना लिया और कुछ डायमंड की टूल्स बना लिए, और गलती से एक डायमंड का हेलमेट भी बन गया जो कि मैं एक्चुअली बनाना नहीं चाहता था। उसके बाद जब मैं ऊपर आइलैंड पर पहुंचा तो वहां पर एक विच स्पॉन हो चुकी थी। पहले मैं विच को देखकर थोड़ा सा डर गया, बट मैंने अपने थॉट्स गैदर किए और अपनी फास्ट नई डायमंड स्वॉर्ड का यूज़ करके उस विच को कोई चांस ही नहीं दिया और उसे मार गिराया। रात में मैंने अपने आइलैंड को कुछ जॉम्बीज और स्केलेटन से बचाया, और कुछ फैंटम्स स्पॉन हो चुके थे जो मुझ पर चारों तरफ से अटैक कर रहे थे क्योंकि मैं बहुत दिन से सोया नहीं था बेड की ना होने की वजह से। अब टाइम आ चुका था अपने लिए एक स्टार्टर हाउस बनाने का, तो मैं फटाफट से एक ऑसम सा स्टार्टर हाउस बनाने के बिल्ड में लग गया। स्टार्टर हाउस बनाते बनाते काफ़ी डिफिकल्टी आई बीच में क्योंकि बार बार ट्राइडेंट वाले ड्राउंस और फैंटम्स अटैक कर रहे थे मुझ पर, जिनसे बच पाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। और हद तो तब हो गई जब फैंटम्स हमारा घर के अंदर भी पीछा नहीं छोड़ रहे थे। दिस वॉज गेटिंग रियली हार्ड गाइज, हमें बेड की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। हाउस बिल्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था कि एक बार फिर से ड्राउंस और फैंटम्स ने चारों तरफ से अटैक कर दिया और मुझे अनफॉर्चुनेटली घर के अंदर भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए।
फाइनली हमारा स्टार्टर हाउस बनकर तैयार था। मैंने अंदर थोड़ा सा डेकोरेट किया, हमारी इन्वेंटरी में फूड था, तो अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था और अब लगने लगा था कि मैं 100 डेज आराम से सर्वाइव कर लूंगा इस आइलैंड पर। अगले कुछ दिन मैंने फिर से माइनिंग में स्पेंड किए, कुछ मटेरियल्स गैदर किए, अपने वीट फार्म को बार बार रीप्लांट किया और बहुत सारी वुड कलेक्ट की। और अब मेरे पास इतनी सारी सैपलिंग्स कलेक्ट हो चुकी थी कि अब टाइम आ चुका था अलग से एक ऑसम सा ट्री फार्म बनाने का। फार्म बन जाने के बाद मैंने अपने आइलैंड पर आए टर्टल के लिए एक बहुत ही अच्छा सा पेन बना दिया। उसके बाद मुझे एक बहुत ही वियर्ड चीज दिखी, एक बहुत ही तेजी से घूमता हुआ ज़ॉम्बी दिखा। आई डोंट नो वो क्या कर रहा था, बट मैंने वहां पर जाकर उसे मार डाला। उसके बाद मैंने अपने आइलैंड को कुछ फैंटम से डिफेंड किया। फैंटम से निपटने के बाद और एक और टर्टल फ्रेंड को जो हमारे आइलैंड पर आ चुका था उसे पेन में डालने के बाद अब टाइम आ चुका था हमारे वीट फार्म को एक्सपैंड करने का, क्योंकि हमारे पास फूड की कमी बढ़ती जा रही थी। तो मैंने फटाफट से डिसाइड किया कि मैं अब वीट फार्म को एक्सपैंड करने वाला हूँ। मैं अपना वीट फार्म बना ही रहा था कि मुझ पर ड्राउन मॉन्स्टर्स और फैंटम से चारों तरफ से अटैक कर दिया और मेरे हार्ट इतने कम हो चुके थे कि मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा और मैं घर के अंदर फटाफट से भाग के चला गया। वीट फार्म बन जाने के बाद मैंने कुछ और देर माइनिंग की और मुझे कुछ और डायमंड्स मिले। उसके बाद जब मैं ऊपर सरफेस पर आया तो मुझे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर मिला जिसे मैंने फटाफट मार दिया। और उसे मारने के बाद मैंने उसके लामास को डिसाइड किया टेम करने का, क्योंकि मुझे पता था लामास ही हमारे लिए लेदर का सोर्स होने वाले हैं इस वीरान आइलैंड पर। लामास की तो फैमिली शुरू हो चुकी थी बट हमारे पास अभी भी सोने के लिए बेड नहीं था। और जैसा कि हमारे आइलैंड पर स्पाइडर्स भी स्पॉन नहीं हो रहे थे जिनके थ्रेड का यूज़ करके बेड को बनाया जा सकता था, अब मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका बचा था जिसकी मदद से हम लोग बेड को बना सकते थे और वो था क्लासिक मॉब फार्म। तो अगले आने वाले कुछ दिनों में मैंने डिसाइड किया कि मैं क्लासिक मॉब फार्म बनाऊंगा। तो बस फिर क्या था, मैं क्लासिक मॉब फार्म बनाने के बिल्ड में लग गया। मॉब फार्म बन जाने के बाद मैंने अपना वीट फार्म हार्वेस्ट किया, उसके बाद अपने मॉब फार्म को यूज़ किया इन ऑर्डर टू गेट थ्रेड्स। और जैसे ही मेरे को थ्रेड्स मिल गए मैंने फटाफट से एक बेड बना लिया। और फाइनली गाइस बेड बनाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने कुछ ऑब्सीडियन माइन किया और एक कंप्लीट डायमंड का आर्मर सेट बना लिया। यस गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि अब हमारे पास एक फुल डायमंड का आर्मर सेट बन चुका था। उसके बाद मैंने एक एन्चांटमेंट टेबल भी बना ली क्योंकि हमें फाइनली एन्चांटमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि ऑफकोर्स अब नेदर वाला फेस शुरू होने वाला था। और उसके बाद मुझे एक वॉन्डरिंग ट्रेडर दिखा, वो भी हमारे क्लासिक मॉब फार्म की छत पर। आई डोंट नो ये वहाँ कैसे स्पॉन हुआ बट इट वॉज क्वाइट अ साइट टू वॉच। फिर अगले कुछ दिन मैंने अपने आइलैंड को एस्थेटिकली इम्प्रूव करने में स्पेंड किए। मैंने कुछ जगह जगह कैंप फायर्स लगाए और पाथ वगैरह बनाए। ये सब करने के बाद मैंने लामास के रहने के लिए उनकी खुद की प्राइवेट जगह बना दी, क्योंकि ऑफ कोर्स लामास के लिए भी अपना घर होना चाहिए था। लामास को उनके घर में शिफ्ट करने के बाद मैंने फटाफट से नेदर पोर्टल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। नेदर का बिल्ड कंप्लीट होते ही मैंने फटाफट से फूड बना लिया, एक बो बना लिया और अपनी सारी की सारी टूल्स को कर लिया एन्चांट। मैंने अपने आर्मर को भी एन्चांट कर लिया बट मुझे बहुत अच्छे एन्चांटमेंट्स नहीं मिले क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे पास बुकशेल्फ्स नहीं थी। बट स्टिल जो भी हमारे पास एन्चांटमेंट्स थे हमें उसी से काम चलाना था, क्योंकि ऑफ कोर्स इस सीरीज का मोटिव ही यही है कि आपको कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके गेम को बीट करना है।
और फाइनली मैं नेदर में चला गया। और नेदर में पहुंचते ही मैं बसाल डेल्टा पे स्पॉन हुआ, जो कि काफी डेंजरस था। और सबसे पहले मैंने अपने पोर्टल को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ऑफ कोर्स कोई मॉब मेरे पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दे और मैं वापस ना जा पाऊं। और मैं अभी स्पॉन ही हुआ था कि मेरे पे बहुत सारे मैग्मा क्यूब्स ने अटैक कर दिया। मैंने किसी तरह सारे मैग्मा क्यूब्स को मारा, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गोल्डन आर्मर तो लाना भूल ही गया हूँ, इसलिए मैं ओवरवर्ल्ड में वापस गया गोल्डन आर्मर लेने के लिए। बट मैग्मा क्यूब्स ने मेरा वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद मैं नेदर में वापस गया और मैंने पिगलिन से बार्टरिंग शुरू की, बट मेरे को एक घास ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। घास से डील करने के बाद मैंने पिगलिन से बार्टरिंग कंटिन्यू करी, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे मुझे क्या मिला। मुझे एक सोल स्पीड 3 की पिगलिन ने बुक दे दी भाई। दिस इज सो अमेजिंग। मतलब सोल स्पीड 3 मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है गाइज। और उसके बाद मैंने और बार्टरिंग की, तो मुझे फायर रेजिस्टेंस के पोशंस भी मिले। फाइनली मैंने कुछ और कलेक्ट किया, और काफ़ी देर नेदर में भटकने के बाद मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गई, और सामने ही मेरे ब्लेज स्पॉनर था। मैंने फटाफट से फायर रेजिस्टेंस का पोशन पिया और मैं चला गया ब्लेजर्स को अटैक करने। और ब्लेज रॉड्स के चक्कर में आई गॉट कैरिड अवे, और इसी टाइम गेम ओवर हो ही गया था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था। बट किसी तरह मैं वहां से बच निकला। और ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मैंने नेदर वॉट कलेक्ट की, उसके बाद कुछ लूट चेकआउट करी, उसके बाद दूसरे रूम से नेदर वॉट कलेक्ट की, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला हूँ। सो मैं वहाँ से निकल गया। नेदर फोर्ट्रेस से जिंदा बचकर निकलने के बाद मैंने कुछ एंडरमैन को हंट किया, क्लासिक ट्रिक का यूज करके कुछ एंडर पर्ल्स कलेक्ट किए, उसके बाद मैं वापस आ गया अपने बेस पर। आइलैंड पर वापस आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी स्टोरेज जो है वो बहुत ज़्यादा भर चुकी है, तो फाइनली टाइम आ चुका था एक ऑसम सी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने का। तो मैंने कुछ वुड को कलेक्ट किया, और उसके बाद मैं लग गया एक स्टोरेज बिल्डिंग बनाने के लिए। स्टोरेज बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी, अब मेरे पास लगभग 80 से भी ज़्यादा चेस्ट थी स्टोरेज के अंदर, तो आई थिंक अब हमें और स्टोरेज की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली थी। इसके बाद मैंने एक बार फिर से अपना वीट फार्म हार्वेस्ट किया, और मैं फिर से नेदर में चला गया एंशिएंट डेब्रीज माइन करने, क्योंकि अब टाइम आ चुका था एक नेदरराइट का बहुत ही ऑसम सा आर्मर बनाने का। मैंने नेदर में काफ़ी देर तक चंक माइनिंग करी, और जैसे ही मेरे पास एक कंप्लीट आर्मर सेट के लिए एंशिएंट डेब्रीज इकट्ठा हो गई, मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में आ गया। और अब फाइनली टाइम आ चुका था एंडर ड्रैगन को फेस करने का, तो मैंने फटाफट से नेदरराइट का आर्मर बनाया, और उसके बाद नेदरराइट का आर्मर पहन लिया। और लिटरली आर्मर पहनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अब मैं एंडर ड्रैगन को आराम से मार दूंगा। और उसके बाद मैंने कुछ स्लो फॉलिंग पोशंस बनाए और कुछ स्ट्रेंथ के पोशंस बनाए, और अब मैं फाइनली रेडी था एंडर ड्रैगन को फेस करने के लिए। और इसके बाद मैं निकल पड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने। मैंने पहली आई ऑफ एंडर थ्रो की, और डायरेक्शन का पता चलते ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। बट इतना टाइम आइलैंड पे अकेले स्पेंड करने के बाद मुझे लैंड पर फाइनली वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा था, बट स्टिल मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। स्ट्रॉन्गहोल्ड की जर्नी में मैंने बहुत सारी लैंड क्रॉस की, और बहुत सारे ओशंस भी क्रॉस किए। बड़े बड़े ओशंस क्रॉस करने के बाद मुझे कुछ आइसबर्ग्स भी दिखे, बट मैं बिल्कुल डिटरमिन्ड था स्ट्रॉन्गहोल्ड ढूंढने के लिए, इसलिए मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी। और फाइनली मुझे स्ट्रॉन्गहोल्ड मिल चुका था, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रॉन्गहोल्ड समुद्र के बीच में पानी के नीचे था। अब मैं सोच रहा था कि मैं नीचे कैसे जाऊं, बट समहाउ मैं किसी तरह स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर पहुंच गया। स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर पहुंच जाने के बाद मुझे सबसे पहले लाइब्रेरी रूम दिखा, मैंने उसे थोड़ी देर चेकआउट किया, उसके बाद फाइनली मैं पोर्टल वाले रूम में जा पहुंचा, और वहां पे सबसे पहले मैंने सिल्वर फिश वाला स्पॉनर जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद मैंने सारी की सारी आई ऑफ एंडर यूज करके पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। फाइनली मैं एंड में जा पहुंचा, और उसके बाद मैंने फटाफट से स्टेयर्स बनाए ऊपर की तरफ, सो दैट मैं एंडर ड्रैगन को जाकर बीट कर सकूं। एंडर ड्रैगन के पास पहुंचते ही मैंने फटाफट से एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। मेरा एम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूँगा। मेरी आंखों के ठीक सामने ड्रैगन था, और मैंने अपने फटाफट से सारे पोशंस पिए और सारे के सारे एंड क्रिस्टल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया।
और मैं क्रिस्टल्स डिस्ट्रॉय कर ही रहा था कि एंडर ड्रैगन ने मुझ पर चार्ज कर दिया। और ऊपर से एक एंडरमैन भी मेरे पीछे पड़ चुका था, बट मैंने समहाउ अपनी वाटर बकेट का यूज करके उसे मार डाला। फाइनली आखिरी बचे हुए एंड क्रिस्टल्स को तोड़ने के बाद मैंने एंडर ड्रैगन पर अटैक शुरू कर दिया। एंड फाइनली एंडर ड्रैगन के अंदर से स्पार्कल्स निकल चुके थे और अब एंडर ड्रैगन से फ्री हो चुका था। फाइनली मैं एंडर ड्रैगन को मार के ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका था अपने आइलैंड पर, और पिछले 100 डेज की मेहनत जो है वो अब वर्थ इट लग रही थी। बट वेट अ मिनट, एंडर ड्रैगन के एग की लोकेशन जो है मैं आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ, वो आपको खुद स्पॉट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और मे बी प्रॉबली अगर हम इसको 200 डेज की सीरीज बनाएंगे फ्यूचर में, तो आने वाले 200 डेज में मैं एंडर ड्रैगन के एग के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, उसकी खुद की प्राइवेट बिल्डिंग। सो आई होप गाइज आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। एंड वन मोर थिंग, टेकाड्रॉन पर नॉर्मल सर्वाइवल सीरीज चल रही है माइनक्राफ्ट 1.17 की, उसे भी चेकआउट करना, और मैं आप लोग के लिए ऐसा ऑसम कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।